सो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। सो गाइज, आई होप कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइज, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया एडिटिंग का वीडियो लेकर। सो गाइज, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कुछ इस तरीके से अपनी स्किन को स्मूथ कैसे करें और ऐसा फेस गोरा कैसे करें। सो गाइज, ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस तरह की एडिटिंग कैसे करते हैं। और गाइज, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप थोड़ा भी स्किप करोगे तो बहुत कुछ स्किप कर जाओगे, इसलिए गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो जो एडिट के बाद कैसी होती है, देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी पूरी फ़ोटो एडिटिंग के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी। सो चलिए गाइस, ज़्यादा वक्त ना लेते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आ जाना होगा लाइट रूम में। सो गाइस, लाइट रूम में इस फोटो को हम एक प्रीसेट की मदद से एडिट करेंगे जो मैंने खुद से ही बनाई है गाइस, ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हमने इस फोटो के एक प्रीसेट बना ली है, जो जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। सो गाइस, ये वो प्रीसेट है, देख सकते हैं गाइस, येलो टोन की हमारी प्रीसेट होने वाली है। सो इसकी सेटिंग को हमें कॉपी करना होगा। सेटिंग को कॉपी करने के लिए सिंपल सा थ्री डॉट दिख रहा है गाइस ऊपर कॉर्नर में, वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ कॉपी सेटिंग पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ एस पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है गाइज। फिर से हमें उसी फ़ोटो में आ जाना है जिसको हमें एडिट करना है। सो गाइज, उस फोटो को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर भी हमें थ्री डॉट पर यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें पेस्ट सेटिंग कर देना है। सो गाइज, आप देख सकते हैं पेस्ट सेटिंग करते ही कुछ इस तरीके से अपनी फ़ोटो जो है एडिट हो जाएगी। देख सकते हैं गाइज किस तरीके से अपना फेस जो है गोरा हो चुका है और एकदम ही येलो टोन में हमारा बैकग्राउंड जो है एडिट हो चुका है। सो गाइज, इस फोटो को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है और सेव टू डिवाइस कर लेना है और आ जाना है हमें स्नैपचैट में। हमारा अगला स्टेप जो है स्नैपचैट में होने वाला है। तो गाइज, हमारी फोटो जो है लाइट रूम में एक ही क्लिक में एडिट हो चुकी है, लेकिन गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है येलो टोन आ चुका है और हमारा शर्ट भी थोड़ा थोड़ा येलो टोन में कन्वर्ट हो चुका है। उसको हम ओरिजिनल कलर में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें चले जाना होगा स्नैपचैट में और हमारी फ़ोटो को जो है थोड़ा सा HD क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो इस फोटो को यहाँ शेयर पर क्लिक करके हमें स्नैपचैट में शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, ये रही स्नैपचैट। तो हम आ चुके हैं अभी स्नैपचैट में। सो स्नैपचैट में आ जाने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ टून इमेज वाला टूल दिख रहा है गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आकर इसके ब्राइटनेस को जो है हल्का सा माइनस कर देना होगा और इसका कॉन्ट्रास्ट ना गाइस उसको हमें इंक्रीज कर लेना है। सो गाइस, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, इतना कर देना है। फिर गाइस एम्बिशन को हमें इंक्रीज कर लेना होगा, इतना कर देना है, ठीक है गाइस। हाईलाइट को भी हमें इंक्रीज करना है जिससे हमारे फेस पर जो है गोरी लाइट आ जाए, व्हाइट लाइट आ जाए गाइस, इसको हम इंक्रीज करेंगे इतना। फिर शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है गाइस। फिर यहाँ से डन कर देना होगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कैसे हमारी फोटो जो है हो चुकी है। तो गाइस, इतना करने के बाद सिंपल सा हमारी फोटो में जो है क्वालिटी ऐड करने वाले हैं। देख सकते हैं गाइस कैसे हमारी फोटो जो है क्वालिटी में नहीं है, इसको हम थोड़ी सी डिटेल्स देने वाले हैं। उसके लिए गाइस सिंपल से हमें टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ डिटेल्स वाला टूल है गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आकर गाइस इसका टेम्परेचर है ना उसको हमें इंक्रीज कर लेना होगा। आप अपने फोटो के हिसाब से कर लीजिएगा गाइस, मैं इतना रखता हूँ, ठीक है गाइस। और शार्पनिंग को भी हमें इंक्रीज कर लेना होगा, ठीक है, इतना कर देना है। फिर जो है यहाँ से डन कर देना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कैसी हमारी फ़ोटो में जो क्वालिटी ऐड हो चुकी है। तो गाइस, हमारी फोटो में क्वालिटी तो ऐड हो चुकी है, लेकिन आप गाइस देख सकते हैं हमारे फेस पर जो है कहीं पर वाइट है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, उसको हमें एक ही लेवल पर करना होगा। उसके लिए गाइस सिंपल से यहाँ टूल्स पर हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ सिलेक्टिव वाला टूल है ना गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना होगा और जो पार्ट बहुत ज़्यादा सैचुरेशन वाला है उस पार्ट को कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और गाइस यहाँ से इसकी सैचुरेशन को जो है हमें माइनस में कर देना होगा और गाइस ब्राइटनेस को जो है उसके में इंक्रीज कर देना होगा और टेम्परेचर को जो इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। सो गाइस, दूसरा सिलेक्शन बना लेना है कुछ इस तरीके से ही, इसकी भी सैचुरेशन को माइनस और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, ठीक है गाइस। और टेम्परेचर को जो हल्का सा इंक्रीज कर लेना होगा जिससे हमारी क्वालिटी वीक ना हो। फिर गाइस यहाँ से डन कर देना होगा गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कैसे हमारी फोटो जो है स्नैपचैट में अब तक हो गई है। सो गाइस, अभी हम इस कलर को जो है मटाने वाले हैं, हमारे शर्ट पर जो कलर है उसको भी मटाने वाले हैं। तो गाइस, उस कलर को हटाने के लिए सिंपल से यहाँ टूल्स पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन दिया गया है गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना होगा
और गैस हमारी पूरी फोटो को जो है हमें ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है गैस। फिर यहाँ से हमें डन कर देना होगा। सो गैस देख सकते हैं हमारी फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। सो गैस अभी हमें यहाँ ऊपर एरो पर क्लिक कर देना है और गैस यहाँ से हमें व्यूज एडिट में चले जाना है और हमने जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टूल बनाया था उस पर हमें क्लिक कर देना है और सिंपल से यहाँ ब्रश पर हमें क्लिक कर देना होगा, ठीक है गैस। और गैस इस ब्रश को जो है हमें हमारा जहाँ पर बहुत ज़्यादा येलो आ चुका है उस पर हमें चला देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे शर्ट पर भी हमें इसको चला देना होगा। सो चलिए गाइस मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे शर्ट पर से कलर जो है हट चुका है, एकदम ओरिजिनल कलर में हमारा शर्ट जो है कन्वर्ट हो चुका है। अभी यहाँ से हम डन कर देंगे और यहाँ से हमें बैक आ जाना है, ठीक है गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कैसी हमारी फोटो जो है अब तक हो चुकी है स्नैपचैट में। तो गाइस इतना करने के बाद सिंपल से मैं फिर से एक बार यहाँ टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ टोनल कॉन्ट्रास्ट क्लिक है ना गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आकर गाइस इसका मिड टोन से ना गाइस उसको हमें हल्का सा इंक्रीज कर लेना होगा, करीबन इतना कर देना है और राइट टोन को भी हल्का सा इंक्रीज कर देना है और गाइस प्रोटेक्ट एंड शेडो है ना उसको भी हमें इंक्रीज कर लेना है, उसको पूरा 100 कर देना है, ठीक है गाइस। और प्रोटेक्ट हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना होगा, सॉरी गाइस इसको हल्का सा इंक्रीज करना है, इतना कर देना है, ठीक है गाइस। फिर यहाँ से हमें डन कर देना होगा। सो गाइस स्नैपचैट में हमारी पूरी फोटो जो एडिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके से अपनी फोटो जो स्नैपचैट में एडिट हो चुकी है। सो गाइस अभी हम हमारी फोटो का स्क्रीन को जो स्मूथ करने वाले हैं, उसके लिए गाइस हमें चले जाना होगा ऑटोडेस्क कैशबुक में। सिंपल सा गाइस इस फोटो को यहाँ डन पर क्लिक करके सेव कर लेना होगा। तो गाइस इस फोटो को यहाँ शेयर पर क्लिक करके हम शेयर करेंगे ऑटोडेस्क कैशबुक में। तो गाइस हमारी फोटो जो है ऑटोडेस्क कैशबुक में शेयर हो चुकी है, लोडिंग ले रहा है गाइस। सो गाइस देख सकते हैं हमारी फोटो जो है ऑटोडेस्क कैशबुक में ओपन हो चुकी है। पहले तो गाइस आप हमारी स्किन जो है देख लीजिए गाइस कैसी हमारी स्किन है, इसको हमें एकदम HD में जो है स्मूथिंग करना है। सो गाइस उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पेंसिल वाला आइकन आपको दिख रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ नीचे हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ स्मूथ वाले ऑप्शन में आ जाना होगा। देन यहाँ पर आकर इस वाले ब्रश को जो है हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। इसकी सेटिंग को आप देख लीजिए गाइस, फ्लू है ना गाइस उसको हमें 5 रखना है और स्ट्रेंथ को हमें 5 पर सेट कर देना होगा और साइज़ को तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। और गाइस यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा और कुछ इस तरीके से अपने फेस पर जो है हमें जूम कर लेना होगा। तो गाइस जूम करने के बाद सिंपल से हमें यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ से हम इसके साइज़ को जो है मैनेज कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। सो गाइस अभी हमें इस ब्रश को जो है हमारे फेस पर अप्लाई कर देना होगा कुछ इस तरीके से। हमारे फेस पर जो इस ब्रश को हमें चला देना होगा ऐसे गोल गोल आकार में, जिससे हमारे फेस पर कोई लाइन बनी हुई नहीं आएगी और एकदम HD में हमारा फेस जो है स्मूथ हो पाएगा। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा फेस जो है स्मूथ हो रहा है, एकदम HD में हमारा फेस जो है स्मूथ हो रहा है गाइस। और गाइस ऐसे एंगल चेंज करके स्मूथिंग करिएगा जिससे आपके फेस की बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथिंग हो पाएगी और कहीं पर काला धब्बा नहीं आएगा गाइस। आप देख सकते हैं कितना HD में हमारा फेस जो है स्मूथ हो रहा है और कहीं पर भी हमारा फेस जो है काला धब्बे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एकदम HD में हो रहा है और बिल्कुल ही गोरे में हमारा फेस जो है स्मूथ हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया, वहाँ पर हम इसकी साइज़ को पहले तो हमें छोटा करना होगा गाइस कुछ इस तरीके से, फिर हमें यहाँ पर स्मूथिंग करना है। सो गाइस आप भी कुछ इस तरीके से साइज़ को मैनेज करके स्मूथिंग करिएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं गाइस मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कितना HD में हमारा फेस जो है स्मूथ हो चुका है, जितना हमने स्मूथिंग किया है उतना। सो चलिए गाइस मैं पूरा फेस स्मूथ करके आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं गाइस वीडियो को कर देता हूँ फास्ट। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फेस जो है एकदम HD में स्मूथ तो हो चुका है, लेकिन गाइस हमारे फेस पर जो हमें लाइट चाहिए थी वो लाइट अभी तक नहीं आई है। सो गाइस पहले तो हम हमारे लिप पर कलर ऐड कर लेते हैं। सो लिप पर कलर ऐड करने के लिए सिंपल से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लेयर वाले ऑप्शन पर और यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक लेयर बना देना होगा। देन उस लेयर में हम चले जाएंगे, उसके ब्रांडिंग मोड को हमें सॉफ्ट लाइट कर देना है यहाँ से, फिर यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा, ठीक है गाइस।
फिर यहाँ कलर वाला ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ हमारी स्किन का जो कलर होता है उस कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से भी बैक आ जाना है। अभी का यहाँ सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी में आ जाना होगा और यहाँ पर ये वाला ब्रश हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। फिर यहाँ से भी बैक आ जाएंगे गाइस। सो गाइस यहाँ पर हमें स्किन का कलर नहीं सिलेक्ट करना था, सॉरी गाइस, हमें पिंक वाला कलर सिलेक्ट करना है क्योंकि हम हमारे लिप पर कलर ऐड करना था। सो यहाँ पर हम पिंक वाला कलर ऐड करेंगे, फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो गाइस इस ब्रश को जो है हमें हमारे लिप पर चला देना है। सो आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से हमारे हमारे लिप पर इस कलर को जो है हमें ऐड कर लेना होगा। सो चलिए गाइस मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे लिप पर जो है कलर ऐड हो चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है वो हमारा लिप। सो गाइस अभी हम हमारी स्किन को जो है व्हाइट करने वाले हैं, लाइट देने वाले हैं। उसके लिए सिंपल सा लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक और नया लेयर बना देना है। सो गाइस अभी हम यहाँ कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ अभी हमें हमारा स्किन का कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से। और इस ब्रश को ब्रश हमें सेम ही रखना है, ब्रश को चेंज नहीं करना है। सो इस ब्रश को जो है हमें हमारे फेस पर चला देना होगा, ठीक है, जिससे हमारा फेस जो है ऑटोमेटिक वाइट हो जाएगा। सो चलिएगा मैं साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हमारे फेस पर इस ब्रश को जो है हमें चला देना है। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा फेस जो है वाइट हो रहा है। सो गाइस एक मैं आपको बताना भूल गया, इसके ब्रांडिंग बोर्ड को हमें सॉफ्ट लाइट करना होगा तब भी बढ़िया से लगेगा गाइस। सो चलिए गाइस वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। यहाँ पर आ जाना है, सिंपल सा हमने जो लेयर बनाया था उस पर क्लिक कर देना है, उसके ब्रांडिंग मोड में हमें चला जाना होगा और यहाँ से हमें उसको सॉफ्ट लाइट कर देना है, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी कितना बढ़िया लग रहा है। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप कि ये एडिटिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो चलिए गाइस मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।